पकड़ के ले गए गले में हाथ डाल के, साथ चला गया जी। चार लड़के कूद के नहीं है उसे पकड़ के नहीं है दौड़ने उसके, इतना चाकू मारे के मेरा बच्चा भाई दम तोड़ गया मेरा बच्चा। इंजर्ड था जिसको चाकू लगा था उसको LBS हॉस्पिटल में जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने ब्रॉड डेड घोषित किया है। अभी टेकअप किया इन्वेस्टिगेशन। ये अभी उसका नाम आइडेंटिफाई हो रहा है, तुषार नाम का है, 20-21 साल का लड़का है और बाकी इन्वेस्टिगेशन अभी टेकअप करिए। इस वक्त हम मौजूद हैं राजधानी दिल्ली के त्रिलोकपुरी इलाके में, जहां पर एक 21 वर्षीय लड़के जिसका नाम तुषार बताया जा रहा है, उसकी आधा दर्जन भर लोगों द्वारा घेर कर चाकू से गोदरे के बाद निर्मम हत्या कर दी गई। इस वक्त हम उसी स्थान पर मौजूद हैं जहां पर उसे चाकू मारे गए थे। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा थोड़ा सा पास आके यहाँ पर दिखाए कि आप देख सकते हैं खून का निशान यहाँ पर है। अभी तक यहाँ पर खून जो जमा हुआ था उसकी वजह से एक गहरा भूरा निशान इस पूरी जगह पर बना हुआ है। और यहाँ पर ही बता दें कि उसको चाकू मारे गए थे जब वो यहाँ से अपने घर की ओर भागा था। वहाँ पर उसने जब चाकू निकाला तो चाकू निकालते ही खून की धार उसके पेट से निकली, जिसके चलते उसकी दर्दनाक मृत्यु उसी समय हो गई। तो परिवार के लोगों के पास चलते हैं और क्या कुछ कारण था हत्या का वो जानते हैं। इस वक्त तुषार की माताजी इस पूरी वारदात पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। मैडम, क्या हादसा हुआ था आपके बेटे के साथ? 1 बजे उठा था जी सर, मेरा बच्चा सो के दोपहर को अपनी बहू को अपने ससुराल में लेगा छोड़ने के लिए, वो छोड़ के आ गया वापस। मेरा ऑपरेशन हो रखा है, ऊपर आया नहीं। मैंने सोचा मैंने अपने ससुराल में होगा तो वो वापस उसने फोन नहीं करा मुझे, तो वो छोड़ के वापस आ गया है। 2 बजे की बात है, फिर अपने गली के सामने इधर आ गया, यही ग्राउंड में यहीं पे खड़ा था मेरा बच्चा। दो लड़कों ने पकड़ा उसके, पकड़ के उसके 6 बजे के करीब उसके इतना बड़ा चाकू मेरे बच्चे के मारा यार। सिर्फ 2 लोग थे कि और भी लोग थे? और 4 जने थे। मेरे बच्चे को अकेले को पकड़ के मारा है, 2 भाग गए थे, मतलब 4 ने पकड़ रखा था उसको। अभी तक किसी गिरफ्तारी हुई है मैडम? अभी पता नहीं है सर, मुझे तो अभी कुछ भी नहीं पता। मेरा बच्चा मारा गया, मैं तो ये कह रहे मेरे बच्चे को मारा ऐसे उसको भी मारना चाहिए। मेरा बच्चा जवान चला गया, 21 साल का मेरा बेटा भी। तो कोई कारण पता चल पाया हत्या क्यों की गई? अरे मुझे नहीं पता सर, उसने किसी का कुछ नहीं करा उसने सर, किसी का भी। पहले कभी कोई धमकी मिली थी उन्हें कि मार देंगे या कुछ? लड़कों से, किसी लड़कों से ही लड़ाई हुई थी उसकी, बस यही सा इधर गली में हुई थी, उन्हीं लड़कों ने करा पता ना क्या। जैसे मेरे बच्चे ने जैसे उसको मारा था तो वैसे ही मार लिया था, थप्पड़ अप्पड़ ही मारे थे उसमें, बाकी ऐसा कुछ नहीं था किसी से सर मेरे बच्चे का। मेरे बच्चे ने किसी का कत्ल भी नहीं करा, मेरे बच्चे ने घर में ही सारे दिन रहता था वो। उस दिन कैसे गलती से बाहर उतर के आ गया नीचे, अपनी बीवी को छोड़ के वापस ऊपर नहीं आया, वो सीधा यही बाहर ही आ गया, ग्राउंड में खड़ा था। उसको लड़के 2 पकड़ के ले गए गले में हाथ डाल के, साथ चला गया जी। 4 लड़के कूद के नहीं है उसे पकड़ के नहीं है दौड़ने उसके, इतना चाकू मारे के मेरा बच्चा भाई दम तोड़ गया मेरा बच्चा। उनकी पत्नी इस वक्त कहाँ पर, क्या स्थिति है उनकी? अभी पत्नी उसके घर वाले अभी अभी ले गए, उसकी ग्लूकोज की बोतलें चढ़ रही है उसके जी, उसकी बीमार पड़ी है वो भी, बीपी हाई हो रहा उसको सारे, अभी अभी गई है वो। कितना समय हो गया था शादी को? अभी 1 महीना, 14 तारीख होंगे 1 महीना जून। अच्छा, में 1 महीना भी नहीं हुआ था शादी को? 1 महीना नहीं हुआ अभी सर उसको, 14 तारीख होंगे सर उसकी। क्या आपको किसी पर शक है कि किसने हत्या की होगी? सर मुझे यही तो नहीं पता चल रहा, कोई उसका दुश्मन ऐसा था ही नहीं सर। जब मैं उस पर शक करूँ, जब मुझे नहीं उसकी कोई है ही नहीं दुश्मन आई उसकी, उस किसी से भी सर उसकी।
सख्त जब होगा ना, जब मुझे यही नहीं पता किसी के साथ उसने लड़ाई करी है, किसी को मारा, किसी का कत्ल करा, तभी तो हम उस पर करेंगे। जी उन्होंने मारा होगा उसको, तो मैं कैसे करूँ सकूँ उसके ऊपर है। तो दिल्ली पुलिस की तरफ से क्या बात बताई गई अभी तक? दिल्ली पुलिस की तो पता नहीं कह रहे जी, अभी तो बता रहे यही लड़के यही के कही है, त्रिलोकपुरी के लड़के है वो जी सर, यही के 6 नंबर के लड़के बता रहे जी सर, बाकी अभी कुछ नहीं पता अभी सर मेरे को। परिवार के कुछ और लोग भी हमारे साथ मौजूद है इस वक्त। मैडम क्या नाम है आपका? लक्ष्मी। आप मृतक लड़की क्या लगती है? ताई। ताई लगती है। हाँ। तो ये जो हत्या हुई कोई कारण पता चल पाया क्यों मारा गया था बच्चे को? अभी बेटा कोई कारण पता नहीं चल पाया, ना कुछ बात का वजह का पता चल पाया। ये बहू को लेके गया था अपने ससुराल, वहाँ से बहू को छोड़ के ससुराल से घर आ रहा था। घर आते आते माता के यहाँ 4 लड़कों ने घेर लिया, हमें कोई पता नहीं, ना ही कोई हाथ चौक पे। जब इसका मर्डर हो लिया, जब वो चिल्लाया, जब भागे पब्लिक उठ उठ के, जब भागे घरों में से निकल के। तो क्या मौके पर मृत्यु हो गई थी या फिर अस्पताल में? बताऊंगी ना। तो जैसे उसके चक्कू माता रानी के यहाँ लगा, तो दुकान है उसके आगे आकर उन्हें चाकू निकाला हमारे सामने। अच्छा। और चाकू निकालते धार गई इतनी लंबी, तो वो जब ही खत्म हो गया था। अच्छा, उसी समय? हाँ, उसी समय खत्म हो गया था बेटा। फिर उसे अपनी दिल की बहलाने के लिए अस्पताल लेके गए थे, ये हुआ था बेटा। और वहाँ पे उन्हें मृत घोषित कर दिया? हाँ, वहाँ मृत घोषित कर दिया था, पर हमने घर वालों को नहीं बताया था, बहू बेटियों को। और कोई कारण भी नहीं पता चल पाया अभी तक? कारण पता चल पाया ना, लड़ता था ना भिड़ता था, अच्छी तरह रहता था, खेलता खाता कूदता बेटा। अच्छा, क्या कभी पहले कोई लड़ाई हुई थी इस प्रकार से कभी कहीं? ना, घर में भी लड़ाई दंगा नहीं है, ना बाहर का भी। अरे वो हंसी खेल वाला लड़का था, वो तो बहुत अच्छा लड़का था, कई बार तो पुच्ची चामी करता था वो हमारी, हमें तो देखा, हमने बचपना गुजरा हमारे धोरे, उसके गोद में खिलाया हमने बेटा। और अचानक ही हुआ बेटा, जो भी हुआ, किसी घर वालों को कुछ पता नहीं है, वो कुछ छोड़ कर आ रहा था, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बस कोई हाँ भी नहीं आता, हम औरत ही औरत। तो हमने परिवार के लोगों से बात की और जाना कि अभी तक कोई कारण नहीं पता चल पाया है कि हत्या क्यों की गई थी। आपको बता दें कि आधा दर्जन लोग बताए जा रहे हैं जो इस पूरी हत्या में, पूरी वारदात में शामिल थे, और ऐसे में बहुत ही बड़ा सनसनीखेज मामला बन जाता है कि बीच सड़क पर एक व्यक्ति की इस प्रकार से हत्या कर दी जाती है। आपको बता दें कि अभी मृतक जो, जिसका नाम तुषार है, उसकी शादी को 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ था, और ऐसे में उसकी चाकुओं से गोद गोद कर निर्मम हत्या कर दी गई है। बता दें कि 3 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और आगे की कार्रवाई भी की जा रही है, और उसी के बाद पता चल पाएगा कि आखिर इस प्रकार से एक 21 वर्षीय लड़के की निर्मम हत्या क्यों की गई थी। कैमरा पर्सन आकांक्षा के साथ मैं आयुष शर्मा, और आप देख रहे थे स्वराज मीडिया नेटवर्क।